2019 के हेट स्पीच मामले में सपा नेता आजम खान को 2 साल की सजा सुनाई गई। शनिवार को रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि आजम खान ने लोकसभा चुनाव के दौरान एक चुनावी सभा में सीएम डीएम पर आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणियां की थी। इसका वीडियो भी वायरल हुआ था। इस पर भाजपाइयों ने जमकर हंगामा किया था। इसके बाद एडीओ पंचायत अनिल कुमार चौहान ने थाना शहजाद नगर में केस दर्ज कराया था। अनिल ने आचार संहिता के लागू होने के बावजूद आजम खान पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप लगाए थे। आजम खान पर 3 धाराओं में केस दर्ज हुआ था। अभियोजन पक्ष के सहायक अधिवक्ता संदीप सक्सेना ने कहा, आजम को 3 धाराओं में सजा सुनाई गई। 2 धाराओं में 2-2 साल की सजा सुनाई गई, जबकि 1 धारा में 1 महीने की सजा सुनाई गई थी। आजम ने मुख्यमंत्री और तत्कालीन डीएम के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिए थे। इससे पहले 25 मई को हेट स्पीच के एक दूसरे केस में आजम खान को बड़ी राहत मिली थी। 2019 में पीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में रामपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम को बरी कर दिया था। आजम को इस केस में एमपी एमएलए कोर्ट की निचली अदालत से 3 साल की सजा हुई थी। सजा के बाद उनकी विधायकी चली गई थी। इसके बाद इस सीट पर उपचुनाव हुआ, जिसमें आजम खान पर केस करने वाले भाजपा नेता आकाश सक्सेना विधायक चुने गए थे। इससे पहले 14 साल पुराने मामले में आजम और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को मुरादाबाद की एमपी एमएलए कोर्ट ने 2-2 साल की सजा सुनाई थी। दरअसल हरिद्वार हाईवे पर मुरादाबाद के छिजलेट थाने के सामने 2 जनवरी 2008 को मुरादाबाद के तत्कालीन एसएसपी प्रेम प्रकाश ने पूर्व मंत्री आजम खान की गाड़ी चेकिंग के लिए रुकवाई थी। इसके बाद उन्होंने आजम की गाड़ी पर लगा हूटर भी उतरवा दिया था। इस बात को लेकर विवाद बढ़ गया था। आजम खान वहीं सड़क पर धरने पर बैठ गए थे। आसपास के जिलों से भी सपा के नेता और कार्यकर्ता छजलेट पहुंच गए। तब आजम खान समेत दूसरे सपा नेताओं पर सरकारी कार्य में बाधा डालने, भीड़ को उकसाने, बवाल कराने समेत विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किए गए थे। आपको बता दें कि आजम रामपुर विधानसभा सीट से 10 बार विधायक रह चुके हैं।